नमस्कार, समर्थ सहारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। शिव ने किया आगाज, अंजाम तक पहुंचा है विजय ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतना जिले की, जहां मुख्यमंत्री जनदर्शन के माध्यम से जो घोषणा कराए थे उन सभी में से प्रमुख युवाओं ने भविष्य को लेकर महाविद्यालय की थी, जिसमें प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने अथक मेहनत से पूर्ण कराई। रैगांव विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री का कहना है कि हम जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है आप लोगों की हर मांग को पूरा करना। देखिए क्या कुछ कहा मंत्री डॉ शाह ने। प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह सतना जिले में करेंगे नवाचार, सभी 817 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में लगेंगे नाइट विजन CCTV कैमरे। आज भी मुझे कर साहब ने बताया है कि रेगांव कॉलेज के आदेश भी जारी हो चुके हैं और बहुत जल्दी 44 स्टाफ के साथ और कला संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय भी रेगांव में खुल चुका है और कोठी में भी बहुत जल्दी कॉलेज के आदेश जारी हो जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे कि पहले ही उसकी समीक्षा करते हैं, हम लोगों से राय लेते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष से राय लेते हैं, सांसद से राय लेते हैं, जिला प्रशासन से राय लेते हैं और जनता की जो डिमांड होती है वो हम लोग पहले ही उनको भेज दिया करते हैं और पूरे शिद्दत से, जहाँ मुख्यमंत्री जी विकास के कामों में अगर उन्होंने घोषणा करी है तो ये मान के चलिए कि 100% वो पूरे होंगे। सिटी की आज मैंने समीक्षा की, मैंने एक महीने पहले से ही सब अधिकारी को अल्टीमेटम दे रखा था कि जो ठेकेदार भाग गए हैं उनकी जगह नए ठेकेदार लेके आइए और काम शुरू करिए। आज बहुत अच्छी तरीके से कलेक्टर साहब, मैंने, सांसद जी ने विस्तार से चर्चा करी, समीक्षा करी, एक एक प्रोजेक्ट को न सिर्फ नक्शा देखा बल्कि अब हमने अब तय कर दिया है कि हर महीने कौन अधिकारी कितना डेवलपमेंट करके देगा उसकी सूचना हमको एक महीना पहले दे। हर महीने जब हमारी मीटिंग होगी उसके पहले एक घंटा हम स्मार्ट सिटी के उन कामों को देखेंगे जो अधिकारी हमको लिख करके देंगे कि हम एक महीने में ये कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से स्मार्ट सिटी की समीक्षा ही नहीं होगी, काम के विस्तार को भी हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा काम आज हमने निर्णय लिया है, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि कोई भी घर ऐसा ना हो जहां चूल्हा ना जले, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूखा सो जाए। अनाज 1 रुपए किलो और जो फ्री में प्रधानमंत्री जी ने दिया है उस अनाज में काला बाजारी ना हो और वो अनाज प्राथमिकता से हमारे गरीब भाइयों को मिले, उसकी और सख्ती से मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्टर साहब और हम लोगों ने आज ही निर्णय लिए हैं कि 800 जो हमारी राशन की दुकानें हैं वहां हम CCTV लगाएंगे। CCTV कैमरे जो नाइट विजन भी होंगे और दिन में भी होंगे और उसके लिए लगभग 1 करोड़ की राशि हम लोग कहीं से उपलब्ध करा रहे हैं। सारे राशन की दुकानों पर CCTV कैमरे में, और ये भी शिकायतें आती थी कि जो राशन देने वाला व्यक्ति है उसकी भाव भंगिमा या शब्द का चयन अच्छा नहीं होता था, तो वो भी सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा और कोई भी गरीब राशन से वंचित ना रहे, अच्छा आचरण और व्यवहार गरीब के साथ करे। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ये भी हमने, मध्य प्रदेश में पहला जिला सतना होगा जहां समस्त राशन दुकानों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी और जहां 4G होगा उन दुकानों पर कलेक्टर या प्रभारी मंत्री अपने मोबाइल पर देख सकता है कि उस दुकान पर कौन आदमी है और उसका व्यवहार क्या चल रहा है। मंत्री जी, आपने कोठी रोड से वापस आते थे, के साथ साथ विज्ञान संकाय भी रेगांव में खुल चुका है और कोठी में भी बहुत जल्दी कॉलेज के आदेश जारी हो जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें कि पहले ही उसकी समीक्षा करते हैं, हम लोगों से राय लेते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष से राय लेते हैं, सांसद से राय लेते हैं, जिला प्रशासन से राय लेते हैं और जनता की जो डिमांड होती है वो हम लोग पहले ही उनको भेज दिया करते हैं और पूरे शिद्दत से, जहां मुख्यमंत्री जी विकास के कामों में अगर उन्होंने घोषणा करी है तो ये मान के चलिए कि 100% वो पूरे होंगे। सतना स्मार्ट सिटी की आज मैंने समीक्षा की, मैंने एक महीने पहले से ही सब अधिकारी को अल्टीमेटम दे रखा था कि जो ठेकेदार भाग गए हैं उनकी जगह नए ठेकेदार लेके आइए और काम शुरू करिए। आज बहुत अच्छी तरीके से कलेक्टर साहब, मैंने, सांसद जी ने विस्तार से चर्चा करी, समीक्षा करी, एक एक प्रोजेक्ट को न सिर्फ नक्शा देखा बल्कि अब हमने अब तय कर दिया है कि हर महीने कौन अधिकारी कितना डेवलपमेंट करके देगा उसकी सूचना हमको एक महीना पहले दे। हर महीने जब हमारी मीटिंग होगी उसके पहले
एक घंटा हम स्मार्ट सिटी के उन कामों को देखेंगे जो अधिकारी हमको लिख करके देंगे कि हम एक महीने में ये कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही गंभीरता से और बारीकी से स्मार्ट सिटी की समीक्षा ही नहीं होगी, काम के विस्तार को भी हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ा काम आज हमने निर्णय लिया है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि कोई भी घर ऐसा ना हो जहाँ चूल्हा ना जले, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूखा सो जाए। अनाज 1 रुपया किलो और जो फ्री में प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस अनाज में काला बाजारी ना हो और वो अनाज प्राथमिकता से हमारे गरीब भाइयों को मिले, उसकी और सख्ती से मॉनिटरिंग करने के लिए कलेक्टर साहब और हम लोगों ने आज ही निर्णय लिए हैं कि 800 जो हमारी राशन की दुकानें हैं वहाँ हम CCTV लगाएंगे। CCTV कैमरे जो नाइट विजन भी होंगे और दिन में भी होंगे, और उसके लिए लगभग 1 करोड़ की राशि हम लोग कहीं से उपलब्ध करा रहे हैं। सारे राशन की दुकानों पर CCTV कैमरे में, और ये भी शिकायतें आती थी कि जो राशन देने वाला व्यक्ति है उसकी भाव भंगिमा या शब्द का चयन अच्छा नहीं होता था, तो वो भी सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा और कोई भी गरीब राशन से वंचित ना रहे, अच्छा आचरण और व्यवहार गरीब के साथ करे। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ये भी हमने मध्य प्रदेश में पहला जिला सतना होगा जहाँ समस्त राशन दुकानों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी, और जहाँ 4G होगा उन दुकानों पर कलेक्टर या प्रभारी मंत्री अपने मोबाइल पर देख सकता है कि उस दुकान पर कौन आदमी है और उसका व्यवहार क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देशों और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।